से मढ़ा हुआ है उनका मुख, वे चंद्रमा की प्रभा से मढ़ी हुई हैं, तो अत्यंत सुंदरी हैं। मंजू मृग नयननी के गुण गण गावती, और मुझे मंजू मृग नयननी जिनकी आंखें मृग के समान हैं, उन गोपियों के गुण का यह स्मरण आ रहा है। मंजू मृग नयननी के गुण गण गावत जमुना कछारण की, और मुझे स्मृति आ रही है जमुना के कछार की। कछार ब्रजभाषा भी है और भोजपुरी भी है। जमुना के तट की याद आती है। रंग रस रारण की, रास बिहार के और रार की भी याद आ रही है। रार मतलब फूल चुनने में, जैसे तैसे दही लूटने में, गोपियों से किस तरह रार होती थी, झगड़ा होता था, उसकी याद आ रही। छीना झपटी जमुना कछारण की, रंग रस रारण की, विपिन बिहारण की, हंस हमसावती। और किस प्रकार मैं वन में विहार करता था, स्वच्छंद घूमता था, गाता था, बांसुरी बजाता था, वो सब याद करा रही है। सुधी ब्रजवासिनी दिवैया सुख रासनी की, उधो नित हमको बुलावन को आवती। अरे उद्धव, ब्रजवासियों की याद आ रही है जो हमको बहुत सुख दिए। दिवैया सुख रासनी तो उधो नित हमको बुलावन को आवती। ये आवती शब्द सुधी के लिए है कि हमको इन सब की सुधि आ रही है, और ये मानो हमको बुला रही है, रोज रोज बुलाती है कि हमको वृंदावन चलने के लिए कहती है। नंद यशोमति के प्रेम पगे पालन की, नंद यशोमति के प्रेम पगे पालन की, लाड भरे लालन की लाल चल गावती। कह रतन कर सुध कर प्रभास मारी, कह रतन कर सुध कर प्रभास मारी, मंजू मृग नयननी के गुण गान गावती। जमुना कछारणी की, रंग रस रारणी की, जमुना कछारणी, जमुना कछारणी की, रंग रस रारणी की, जमुना कछारणी सावती। सुधी ब्रज वासिन दिवैया सुख रासिन की, सुधी ब्रज वासिन दिवैया सुख रासिन की, उधो नीत समझाने लगे भगवान को कि आप इतना मत रोइए, विकल मत होइए, क्यों घबरा रहे हैं? आप इतने परम ज्ञानी हैं, समझदार हैं। अरे सब संसार में संबंध होता है और विजोग होता ही है, फिर आप इतने विकल क्यों हो रहे हैं? तो इनके समझाने पर भगवान उद्धव जी से कहते हैं, ये निचले पद में है, प्रेम ने मनि फल निवारी उर अंतर, प्रेम ने मनी
कहरत न कर सुधा कर मुखिनी ध्यान भगवान को समझा रहे थे। अरे आप अपना स्वरूप याद कीजिए, सांसारिक संबंध से आप परे हैं, सुख दुख से परे हैं, ज्ञान से अपने चित्त को शांत कीजिए, ब्रह्म ज्ञान से। कुछ उपदेश भी किए, ब्रह्म ज्ञान क्या है ये है। तो भगवान कहते हैं, उद्धव ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, एक बार गोकुल जाओ, एक बार नंदगांव होकर के आओ, इसके बाद जो कहोगे वो मैं स्वीकार कर लूँगा। प्रेम नेम निफल और निवारी उर अंतर थे, तुम जो ये कह रहे हो कि ये प्रेम करना सब बेकार बात है, निष्फल है, कि हृदय में किसी के प्रति इतनी आसक्ति, गोपियों के प्रति खास इतनी आसक्ति जो आपकी है ठीक नहीं है। अरे आपको और काम करना है, बड़ा बड़ा काम करना है, और इस तरह से आप किसी के प्रति आसक्त मत होइए, अनासक्त रहिए, ब्रह्म ज्ञान में मन लगाइए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है आपके अनुसार प्रेम नेम निष्फल है, तो मैं निवारी उर अंतर से, मैं इसको हृदय से निकाल दूंगा, किसी से प्रेम में आसक्ति नहीं करूंगा। ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान भरी लई है, और ब्रह्म ज्ञान आनंद का निधान है, तो मैं उसको हृदय में भर लूंगा। हृदय में जो प्रेम की गांठ लग गई है, गोपीजनों से आसक्ति हो गई है, तो मैं उसको निकाल दूंगा हृदय से, और आपके द्वारा जो उपदिष्ट ब्रह्म ज्ञान है उसका आनंद हृदय में भर लूंगा। कहे रत्नाकर सुधाकर मुखिनी ध्यान, और इस समय तो मैं चंद्रमुखी सुधाकर मुखी मतलब चंद्रमुखी श्री गोपियों का ध्यान कर रहा हूँ, स्मरण आ रहा है, और मेरे आँख से बहुत आंसू निकल रहे हैं। तो ठीक है, उनका ध्यान मैं आंसुओं से धो लूँगा, अभी तो हमको रोने दीजिए जो रो रहा। और जो ब्रह्म ज्ञान की ज्योति आप बता रहे हैं, तो उस ज्योति को देख करके उसमें मैं जर लूंगा। ठीक, ज्योति जर लई है, ब्रह्म ज्ञान में ज्योति में हम मैं जर लूंगा, ये काम करूंगा। लेकिन तुमसे प्रार्थना है, एक बार धारी एक आओ, एक बार धारी गोकुल गली की धूल, एक बार तुम नंदगांव जाओ और वहाँ के गली की धूल धारण कर लो, बस इतना ही हमारी तमन्ना है, हमारी इच्छा है। एक बार नंदगांव जाओ और वहाँ के गली की धूल को थोड़ा लगा लो, और इसके बाद जो कहोगे मैं करूँगा। एक बे आओ एक बार धारी गोकुल गली की धूल, तब इस नीति की प्रतीति धरी लई है, जो तुम सिखा रहे हो हमको, तब मैं
उसको समझ लूँगा, इस नीति को स्वीकार कर लूँगा। और गोकुल से आने के बाद जो तुम कहोगे उसको मैं मन में, करेजा में, आँख में, सिर में, आखिन में बसा लूँगा। जो कहोगे मैं तुम्हारी शिक्षा को वैसे स्वीकार करूँगा जैसे कोई भिखमंगा भीख को संभाल करके रखता है। उद्धव तिहारी सीख भीख करी लई है। लेकिन इसके पहले कुछ मत सिखाओ, मैं धारण करने योग्य नहीं। उद्धव जी जब ब्रज में आकर के लौटे मथुरा तो सीधे कहने लगे, आप चलिए चलिए ब्रज में, यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ कौन प्रेमी है, सारे प्रेमी आपके ब्रज में। तो भगवान ने किसी भी तरह से उद्धव जी को ब्रज में भेजना चाहते हैं। वहाँ जाने के बाद तो खुद ही बदल जाएगा। आज प्रेम के नियम को निष्फल कह रहा है, ये प्रेम में ऐसा दीवाना होगा कि अब फिर उद्धव जी आए तो कहे कि छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते न। यदि यहाँ पर आपको सूचना नहीं देनी होती तो मैं ब्रज से इधर आया नहीं होता, कहीं कुटिया बना करके रह गया होता। हो तो चित जचाव जौन रावरे चितावन को, तजी ब्रज गांव इत पाँव धरते नहीं, यहाँ आता ही नहीं। और आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, बस मैं सूचना दे दिया और मैं चलता हूँ ब्रज में। उद्धव जी ऐसे कहे, इसी के लिए भगवान इनको भेज रहे हैं। के साथ बजाओ। प्रेम ने मानि फल निवारी उर अंतरत, प्रेम ने मानि फल जब उद्धव जी की भेंट हुई गोपियों से, उद्धव जी के आने का समाचार सुन करके श्री गोपियाँ चारों तरफ से दौड़ती। उद्धव जी चलते हैं भगवान से संदेश ले करके। तो दो श्लोक में बताया गया है कि उनकी क्या दशा हुई ब्रज में पहुंचने पर। लैके उपदेश संदेश पन उधो चले, लैके उपदेश संदेश पन उधो चले। पृष्ठ 28 पर है नीचे का।
36 नंबर लैके उपदेश संदेश पान उधो चले सुजस कमाई बेउछाहु बेगर उद्धव जी बड़े उत्साह से चले सुजस कमाने के लिए नंद बाबा को सुखी कर देंगे गोपियों को खुश कर देंगे वे विरह दुख भूल जाएंगे अपने ज्ञान के अभिमान में चले ऐसा उपदेश करूंगा प्रवचन करूंगा कि सबका दुख खत्म हो जाएगा सुजस कमाने के लिए चले रत्नाकर जी कहते हैं कह रतन कर निहारी कान कातर आतुर भय मोर है मन संहार पहुंचने पर इनकी क्या दशा होगी अभी वहीं थे मथुरा में जब कृष्ण को रोते हुए देखे हिचकी लेते हुए बार बार गोपियों की याद करके तो आतुर भये यों रहो मन न संभाल में उनका मन संभाल में नहीं रहा वे आतुर हो गए ब्रज पहुंचने पर क्या दशा होगी ये तो बाद में पता चलेगा इनको कृष्ण की दशा देख करके ही आतुर हो गए मन स्थिर नहीं रहा ज्ञान गठरी की गाठ छर की न जान कब हर हर पूंजी सब सर की कछर में ज्ञान की गठरी बांधे थे तो गांठ कब खुल गई पता भी नहीं लगा सारा ज्ञान गिर गया ब्रज में पहुंचने पर दशा हो रही है ज्ञान गठरी की गांठ छर की न जानो कब है जाने भी नहीं कि ज्ञान की गठरी जो बांधे रख से कड़ा हृदय में और ज्ञान की गठरी गांठ खुल गई ज्ञान खत्म हो गया हरे हरे पूंजी सब सर की कछार में हरे हरे मैंने धीरे धीरे जब गांठ खुल गए तो धीरे धीरे पूंजी अर्थात ज्ञान की भावना इनका ज्ञानाभिमान जमुना जी के कछार में सब खत्म हो गया डार में तमालनी की कछु बिरमानी और कुछ तो जमुना के किनारे जो तमाल वृक्ष थे उसमें कुछ फंस गई गठरी जो बची थी वहाँ गिरे कुछ और कछु अरुझानी है करीर न के डाल पर झाड़ पर और कुछ करील के झाड़ पर गिरी तो ये ब्रज की शोभा देखते देखते केवल वृक्षों को और करील के वृक्ष को लताओं को देखते ही सब ज्ञान इनका खत्म हो चला अब ये प्रेम में फंसने लगे ये ब्रज भूमि का ऐसा प्रभाव था है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं उसमें बिंदु जी ने लिखा है कि लगकर वस्त्र से कांटे लगे उद्धव को समझाने तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने कांटे समझाने लगे उनके वस्त्र से फंस करके इसका मतलब ये है कि ब्रज के वृक्ष भी कृष्ण प्रेम से भरे हैं कांटे लग रहे थे कांटा लगना भी प्रेम उत्पन्न कर रहा था और मानो ये करीर के कांटे कह रहे थे तुम्हारे ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने ज्ञान के अभिमान में चले बृहस्पति जी से पढ़े हैं ना बहुत बड़े ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान के पंडित हैं तर्क शास्त्र के पंडित हैं राजनीति के महाविशारद हैं
तब तो जादवों के ये मंत्री बने हुए, इनको बहुत विश्वास था कि अरे ये क्या है, दो मिनट का काम है, इनको सुखी करना है। तो यही है ना कि आपके प्रेम में, आपके सेवा के में फंसे हुए हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं, मैं निकाल दूंगा उनके हृदय से, वो बेचारे क्यों मारे इस तरह चिंता कर, सुखी हो जाए। भगवान ने कहा कि एक बार जाओ गोकुल के गली की धूल धारण करके आओ और इसके बाद जो कहोगे मैं मानूंगा। तभी तो रास्ते में जा रहे थे, तब तक तमाल वृक्ष और करीर वृक्ष पर ही सारा पूंजी खत्म हो गया। लैके उपदेश संदेश पन उधो चले, लैके उपदेश संदेश पन उधो चले, सूज स कमाइबे पूछ उदगर कुछ ज्ञान तमाल वृक्ष की डालियों में उलझ गया, फंस गया, और कुछ करील के झाड़ पर। इसका मतलब यह है कि वृंदावन के ब्रज के तमाल वृक्षों को देख करके उनको इतना आनंद आने लगा और इतना प्रेम उमड़ा कि तमाल के वृक्ष जिनके नीचे भगवान बांसुरी बजाए हैं, जिन पर चढ़े हैं, खेले हैं, वही बहुत सुंदर लगने लगे और ब्रह्म ज्ञान आदि के बाद भूलने लगे। वैसे श्री उद्धव जी ब्रह्म ज्ञान आदि में नहीं थे, भगवान कृष्ण के प्रेम में ही थे, लेकिन उस प्रेम का उत्कर्ष ब्रज में उन्हें दिखाई देने लगा। और कुछ करील के झाड़ी की सुंदरता देखने लगे। जेम जेम नंदगांव के निकट पहुंचने लगे, तेम तेम भगवान के प्रेम में डूबने लगे। और ये अभिमान कि मैं उनको सुखी कर दूंगा उपदेश दे करके, ये जाता रहा। 29वें पृष्ठ पर शुरू में है 37 नंबर का। यहाँ ब्रज भाषा में हरे हरे का अर्थ होता है धीरे धीरे। जब जब बढ़ रहे थे धीरे धीरे इनका ज्ञान का गुमान घटने लगा। हरे हरे ज्ञान के गुमान घटी जान लगे, हरे हरे ज्ञान के गुमान घटी जान लगे, योग के विधान ध्यान होते तरी Thank you.
शरीर छायो ज्ञान मार तंड के सुखाए मन मान सको ज्ञान के सरस सुहाए घन श्याम करी लगे हरे हरे ज्ञान के गुमान घट जाने लगे, धीरे धीरे ज्ञानाभिमान दूर होने लगा। वास्तव में यथावत ये उद्धव जी का ही वर्णन नहीं है, ये ब्रजभूमि के प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है। तो ज्ञानाभिमान, ज्ञान का गुमान, गुमान मैंने अभिमान, गुमान भोजपुरी शब्द भी है, ज्ञान का अभिमान धीरे धीरे घटने लगा, घटी जाने लगा। जोग के विधान ध्यान होते तरी बोल, ध्यान हुमे ते तरीबे लगे। और योग की जो विधियां हैं, इस तरह से ध्यान करना, प्राणायाम करना, आसन करना और चिंतन करना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवो हम सो हम, जो विधान है ये मंत्र जपना, ऐसे रहना ऐसे रहना, यम नियम आसन और प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि प्रत्याहार, सब विधान है, ऐसे करना वैसे करना। तो अब तो ब्रजभूमि का दर्शन करके उद्धव जी का योग विधान सब ध्यान से भी जाने लगे, मतलब मन में भी स्मरण नहीं आ रहा है कि अब इसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए, ध्यान से, ध्यान में भी नहीं जोग रहा है। अब प्रकट क्या होगा, और नैननी में नीर, अब आंखों में आंसू भरने लगा, रोम सकल शरीर छर, ब्रज का दर्शन करके सारे शरीर में रोमांच भर गया, प्रेम अद्भुत सुख सुझ परिबे लगे। और प्रेम में क्या अद्भुत सुख है इसकी अब सुझ, इसकी समझ आने लगी। गोकुल के गांव की गली में पग पारत ही, गोकुल गांव की गली में, नंद गांव को भी गोकुल कहते हैं, बरसाने को भी गोकुल कहते हैं, वृंदावन को गोकुल कहते हैं। तो गोकुल के गांव की गली में पग पारत ही, गोकुल के गांव की गली में पैर रखते ही भूमि के प्रभाव भाव औरे भर भरने लगे। इस भूमि के प्रभाव से कुछ और ही भाव हृदय में उठने लगा। ज्ञान मारतंड के सुखाए मन मानस को सरस सुहाए घन श्याम करवे लगे। दोपहर के सूरज को मारतंड कहते हैं, उसी समय सबसे ज्यादा तीखा रहता है, कड़ा घाम रहता है। तो उनका मन रूपी सरोवर, उद्धव जी का मन रूपी मानस, मानस मन सरोवर, ज्ञान रूपी सूरज के, सूरज रूपी ज्ञान के द्वारा सुखा दिया गया था। ज्ञान सूरज से सूख गया था। किसी सरोवर में मान लीजिए पानी हो और सूख जाए किसी तरह से, कितना खराब लगेगा, सूख गया था।
अब उनके हृदय में घनश्याम छाए, घनश्याम मतलब घना सांवला बादल, जल वाला बादल, वर्षा होने लगी धीरे धीरे। अब केवल छाया अभी हो रही है, तब तक तो सरस होने लगा, सरस सुहाए घनश्याम करने लगे। अब वो सूखे हुए सरोवर को घनश्याम सरस करने लगा। जो कृष्ण का अनुभव, कृष्ण से प्रेम, ये मथुरा में नहीं सीखे, ब्रज में जाकर सीख रहे हैं। वहाँ की भूमि का अद्भुत प्रभाव है, ये वो आज भी है, अनंत काल तक रहेगा। ये आजकल के जो ज्ञानाभिमानी हैं, ऐसे लोग काशी में देखे जाते हैं, हरिद्वार में देखे जाते हैं और जहाँ तहाँ, तो ये लोग किसी व्यक्ति से प्रेम करना उसको बहुत बुरा मानते हैं। अपने चित्त को बिल्कुल निर्वासना निर्वासन कर लेना, वासनाहीन, जहाँ तक रूप का स्मरण आता है और किसी से संबंध का, इन सबको भी अनित्य मानते हैं, प्राकृत मानते हैं। अतः किसी लड़के में आसक्त होना, या लड़के का किसी लड़की में आसक्त होना, किसी स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में, और ये हम हमारा, मैं मेरा, मैं ये हूँ, ये मेरा है, ये है, ये सब पाखंड है। बड़े बड़े सन्यासी ज्ञानी यही सोचते हैं, किसी रूप के चक्कर में क्या पड़ना है, निर्विशेष निराकार में ज्योति स्वरूप में मन लगाओ। और वास्तव में सांसारिक दृष्टि से केवल देखा जाए तो इनका विचार उन्नत है, लेकिन अध्यात्म के माने में ये उन्नत विचार नहीं है। ठीक है, प्राकृत रूप में मन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अप्राकृत रूप, भगवान कृष्ण का जो रूप है, उसमें मन का अभिनिवेश होना ही चाहिए, वही परम फल है। तो रत्नाकर जी एक प्रकार से इन निर्विशेषवादियों पर, ब्रह्मज्ञानियों पर ये बात कह रहे, ज्ञान एक सूखे और दाहक सूरज की तरह है, जो हृदय को सूखा बना देता है। कोई प्रेम नहीं, कभी किसी की याद करके रोना नहीं, और खासकर भगवान की भी याद करके, भगवान का गुण गा करके कभी रुलाई नहीं, कोई रोमांच नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हृदय सूख गया है। यह कहते कहते कि हम ही ब्रह्म हैं, सो हम वह मैं हूँ, तो मैं हो तो इस दशा में क्यों पड़े, वही तुम हो तो इस दशा में क्यों पड़े। आज भी रटते रहते हैं, आप सुन सकते हैं कहीं कहीं, सो हम तो सह का अर्थ है, ये वेद का वाक्य है, सह माने वह, अर्थात जीवात्मा मैं हूँ, उसके पहले जीवात्मा का वर्णन है, मैं भी वह हूँ, ये अर्थ है, और भगवान का भी वर्णन है। भगवान चिन्मय है, हम भी चिन्मय हैं, जीव हैं, हम भी नहीं मरेंगे, हम भी नहीं दुखी होंगे, केवल शरीर बदलेगा, लेकिन आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तो आत्मा का ऐसा वर्णन करके ऋषि कहता है कि सह अहम मैं वह हूँ, सो अहम अयम न अहम, ये मैं देह नहीं हूँ। जो सामने हमारी स्थिति है, देह को जो लोग मैं कहते हैं, उनका निषेध किया जा रहा है, मैं देह नहीं हूँ, सो हम मैं इसके भीतर रहने वाला जीवात्मा आत्मा हूँ शुद्ध, ये अर्थ है। लेकिन सो हम पढ़ पढ़ करके कुछ लोग ये सोचते हैं वह मैं हूँ, अर्थात मैं ही भगवान हूँ, सह अहम मैं वह वही हूँ। एक व्यक्ति हमसे एक बार पूछा, वो कबीरपंथी था, तो हमारे मंदिर में आया था गुड़रा में, पूछा